वसुंधरा के राजनीतिक कैरियर को समाप्त करने की कोशिश में बीजेपी हाईकमान। वसुंधरा के खिलाफ भजन लाल रच रहे हैं बड़ा चक्रव्यूह। राजे के पास नहीं होगा विकल्प। भजन लाल सरकार में राजे को पूरी तरह किनारे किए जाने के मिल रहे हैं संकेत। वसुंधरा राजे सिंधिया का सियासी भविष्य क्या होगा, इस पर अब सवाल उठने लगे हैं। हाईकमान की ओर से तो उन्हें पहले ही साफ संकेत दे दिया गया था कि अब राजस्थान बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं है, तो दूसरी ओर प्रदेश के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी अपने काम से बता दिया है कि राजे की सलाह वो नहीं लेंगे और ना ही राजे के सलाहकारों को अपने करीब आने देंगे। जो अधिकारी किसी समय वसुंधरा राजे करीबी माने जाते थे, भजनलाल ने सभी को दूर रखा है। वसुंधरा की सरकार में ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा पावरफुल मानी जाती थी, यहां तक कि मंत्री और सत्ता पक्ष के विधायकों को भी अपने ही काम कराने की मुश्किल होती थी। वहीं भजनलाल ने अपनी सरकार में ब्यूरोक्रेसी को अब तक हावी नहीं होने दिया है। वैसे वसुंधरा किनारे लगाने का नुकसान भी उन्हें हुआ है। पार्टी श्रीकरणपुर विधानसभा सीट हार गई, जबकि चुनाव से पहले भजनलाल ने यहां से पार्टी उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह टीटी को मंत्री तक बना दिया था, जिससे जनता के बीच मैसेज जाए कि टीटी जीते तो क्षेत्र को मंत्री पद मिलेगा और हारे तो विपक्ष का विधायक। लेकिन जनता वसुंधरा के साथ गई। वसुंधरा प्रचार तो करने नहीं गई तो जनता ने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। इस बीच कहा जा रहा है कि सीएम नहीं बनाए जाने के बाद से नाराज चल रही वसुंधरा की नाराजगी बरकरार है। इसके बावजूद सीएम भजनलाल शर्मा ने सियासी तौर पर वसुंधरा राजे के गुट को कई मैसेज भेज दिए हैं। मैसेज साफ है, अगर नाराज हैं तो उन्हें मनाया नहीं जाएगा। ये फैसला उन्हें ही लेना है कि कब तक नाराज रहेंगे। जब नाराजगी समाप्त हो जाए तो पार्टी की बैठक में शामिल हो सकती हैं। संगठन का काम जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा और सरकार के काम में तो हस्तक्षेप वो कर ही नहीं सकती। सीएम की कार्यशैली से वसुंधरा राजे के भविष्य पर अनिश्चितता छाई हुई है। सीएम ने अफसरशाही को हावी नहीं होने दिया। वसुंधरा राजे गुट के नेताओं से दूरी बनाए रखी, राजे की परवाह किए बगैर अपने करीबी मंत्रियों को बनाने में सफल रहे। इसके साथ ही भजनलाल शर्मा ने साफ संकेत दिया है कि गहलोत सरकार की योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। कई योजनाएं बंद भी हो गई हैं। मतलब साफ है कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत को अपनी ही स्टाइल में निपटा रहे हैं। बता दें, भजनलाल शर्मा सीएम बनने से पहले सियासी विरोधियों को ऐसे ही निपटाते रहे हैं, किसी को भनक नहीं लग पाए। इस समय बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में तैयारी कर रही है, लेकिन वसुंधरा राजे की क्या भूमिका होगी इसको लेकर कोई रणनीति सामने नहीं आई है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने फिलहाल पत्ते नहीं खोले हैं कि आखिर वसुंधरा राजे को लेकर क्या प्लान है। पार्टी नेताओं का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व इन दोनों नेताओं को पार्टी के भीतर या केंद्र सरकार में मौका दे सकता है। दरअसल दावा किया जाता है कि 2014 में बीजेपी जब सत्ता में आई तो वसुंधरा को केंद्र की राजनीति में आने के लिए कहा गया था, मगर उन्होंने इससे इनकार किया था। मोदी शाह जब पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे तब वसुंधरा राजस्थान में स्थानीय नेताओं, विधायकों और वफादारों के बीच बनी रहकर राज्य में बीजेपी को संभाल रही थी। माना यही जा रहा है कि वसुंधरा राजे केंद्र की राजनीति में नहीं जाना चाहती हैं, लेकिन हाईकमान उन्हें राजस्थान में जिम्मेदारी देने को तैयार नहीं है। यानी राज्य का राजनीतिक करियर अब बीजेपी में समाप्त होने को है। वैसे पार्टी को चिंता वसुंधरा की नाराजगी को लेकर भी है। राज्य की नाराजगी लोकसभा चुनाव पर असर डाल सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के हिसाब से कांग्रेस को 11 लोकसभा सीटों की बढ़त मिली है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी हैट्रिक नहीं लगा पाएगी, यानी राज्य की सभी 25 सीटें जो वो दो बार से जीत रही है, इस बार वैसी जीत संभव नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।